नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं राजस्थान की। जयपुर से एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है जिसकी हलचल दिल्ली तक है। दिल्ली तक हलचल होने का एक अहम कारण यह है कि सारे के सारे बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है सिवाय एक नाम के। ये नाम है वसुंधरा राजे का। जी हाँ, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ वो चेहरा जिसने बीते एक दशक से भी ज्यादा समय तक राजस्थान की राजनीति में अगर बीजेपी का कोई सबसे प्रमुख चेहरा रहा तो वो वसुंधरा राजे ही रही। लेकिन उसके बाद जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो फिर जो बात सामने निकल कर आई, मैं बात कर रहा हूं 2018 के आखिरी वक्त की, क्योंकि 2019 में आम चुनाव थे, 2018 का दिसंबर आप मान लीजिए जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं और इसी दौरान एक नारा बुलंद किया जाता है राजस्थान की जमीन में। वो नारा है, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं। ये नारा जो है दिल्ली तक पहुंचता है और लोगों को साफ तौर पर समझ आ जाता है कि राजस्थान की सियासत में अब वसुंधरा राजे उतनी मौजूद नहीं रह गई जितनी बीते एक दशक की राजनीति में देखा गया था। हालांकि एक आंकड़ा वो भी है कि 2014 में 13-14 के समय पे, यानी 13 के आखिरी वक्त में, वो किस तरह से 13-14 का जो वक्त था उसमें 25 में से 25 सीटें जो है वो निकाल कर देती हैं और 100% विन रिकॉर्ड उनका रहता है। लेकिन इसके बाद बीते 5 सालों में किस तरह से, चाहे अंतर्विरोध की राजनीति हो या फिर दिल्ली में उनकी स्वीकारिता ना बन पाना हो, और इसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष का चेंज होना, सतीश पूनिया का आना, और अब चीजें जो देखने को मिल रही हैं वो ये कि हर लिहाज से तमाम नेताओं को जो है वो दिल्ली बुला लिया गया है, तलब कर लिया गया है। और इस पर जब सतीश पूनिया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सामान्य बैठक है और राजस्थान में विधानसभा के 3 उपचुनाव होने हैं, इसके अलावा निकाय के चुनाव होने हैं, इसकी तैयारियों के सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई थी, जेपी नड्डा साहब ने दिल्ली में बुलाई थी। मगर इस बैठक में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने से ये संदेश साफ हो गया है कि राजस्थान बीजेपी की राजनीति में अब वसुंधरा राजे के दिन लद गए हैं। यानी अब ना तो उन्हें कोई इतना सीरियसली ले रहा है और ना ही उनकी वो जगह देखने को मिल रही है जो बीते एक दशक में हमने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।